नादिन, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ख्वाजा कम्युनिटी के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो आप लोगों के साथ अपनी चैनल को शेयर कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारी एक बहन जो कि गुलमशाल माशाल्लाह सुपरस्टार मॉडल रह चुकी है और घर भी नहीं इन दिनों भी शो कर रही है। जी नादिन, तो ये हमारी गुलमशाल जो कि मेरी एक बहन है और यहाँ लाहौर में रिहाइश पजीर हैं और ये जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है कि एक मॉडल भी हैं, एक स्टार भी हैं और स्टेज पर थिएटर पर काम भी कर चुकी हैं और अभी घर भी नहीं है और अभी भी इसको शो का ऑफर आज भी इनको आ चुका है और माशाल्लाह इनका शो हो रहा है। तो आज की वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हमारी जो बहन है इन्होंने अपनी जो इनकी जमा पूंजी थी और जैसा कि हम आप लोगों को पता है कि अपनी घर में भी हमारी एक्सेप्टिंग नहीं होती और हमारे माशरे में भी कोई एक्सेप्टिंग और रिस्पेक्ट नहीं होती, तो इसी वजह को लेके जो है हमारी गुलमशाल ने एक अच्छी सोच से जो है अपने लिए बुटीक खोला और हैंडमेड ज्वेलरी जो है उनके लिए एक शॉप खोल दिया है। तो उनकी पूरी जो शॉर्ट्स है वो भी आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुलमशाल से। अस्सलाम वालेकुम गुलमशाल। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी तरफ से आपके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि आपको बुटीक और ये ज्वेलरी का जो शॉप है ये कपड़ों का और ज्वेलरी का ये दोनों कामयाब हो जाए और अल्लाह करे कि मजीद आपको कामयाबी मिले और आपको रोजी पानी और भी अच्छा हो जाए। बताइएगा क्या सोच थी ये बुटीक खोला? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और मैंने ये सोच के ये अपना काम स्टार्ट कर लिया कि पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में तो बंदा नहीं रह सकता ना, बिल्कुल अभी तो एंड हो जाती है और मैंने इसलिए इसके ऊपर ताली थी मुझे देखकर और भी हमारे ट्रांस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं और मुझे देखकर वो भी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर ले आने वाले वक्त के लिए। तो मैं इस चीज़ स्टार्ट कर ली और आने वाली लाइफ भी मेरी अच्छी हो जाए। गुलमशाल जो है वो पेशावर में मेरी स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी स्टूडेंट हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी स्ट्रगल से अपनी सोच से अपनी जो है डिज़ाइन किए हुए कपड़े हैं जो कि आप लोगों से अभी शेयर करेंगे और ये कि इसकी इतनी अच्छी सोच थी कि इसकी सोच को लेके जो हमारी कम्युनिटी है वो उनको देख कर जो है वो भी आगे बढ़ेंगे और वो भी अपने लिए अच्छा सोच सकेंगे। गुलमशाल क्या फ़ायदा हुआ है, ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिलती है, क्या सिस्टम होता है, या आपकी शॉप पर यहाँ पर आती है या आप शॉप पर खुद होती हैं या जो है आपके साथ जो कारीगर हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑर्डर किस तरह देती हैं? एक्चुअली पहले तो मैं आप सबके थैंक्स अदा कर दूँ कि पेशावर से लाहौर आए स्पेशल मेरे ये सीनियर इतने बड़े नाम है हमारी कम्युनिटी के लोग लोग आए हुए हैं आप लोगों के साथ। हमारे साथ जी फैजाना जी हैं, नयाब अली जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, नयाब जी इस्लामाबाद से हमारे साथ और फैजाना जी जो है वो पेशावर से हमारे साथ जो कि हमारी कम्युनिटी के प्रेजिडेंट रह भी चुकी है और कर भी रही है एक्टिविज्म, तो उनकी भी आपके साथ शॉर्ट शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गुलमशाल से कि वो गुलमशाल अपनी बुटीक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो ऑर्डर हम किस तरह दे सकते हैं हमारी? मैं पहले ऑनलाइन करती थी, ऑनलाइन के साथ मैं खुद भी ऑनलाइन करी हूँ, मैं ऑर्डर लेती हूँ, मैंने लड़के भी बिठाए और मैंने यूनिट भी रखी हुई है, माशाल्लाह मेरे खुद सारे कपड़े डिज़ाइन की गई हुई है और आगे भी इजाफी इंशाल्लाह आएगी और दुआ है कि दिन ब दिन काम बदल जाए। और अब अभी एज ए डिज़ाइनर, पहले एज ए मॉडर्न जाती थी मैं फैशन शोज में, इंशाल्लाह 14 को मैं एज ए डिज़ाइनर जा रही हूँ, मेरी लिए बहुत खुशी और फख्र की बात है और मेरी फैशन शो खुद भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इंशाल्लाह सब फ्रांस को मैं मौका दूँगी इंशाल्लाह कि वो लोग भी आए आगे इंशाल्लाह। तो मेरे सबके लिए बहुत बेस्ट विशेज हैं और मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे कपड़े आप लोगों के लिए डिज़ाइन करके लेकर आऊँ और आप लोगों को पसंद आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन अगर कोई ऑर्डर दे तो वो व्हाट्सएप पे के नंबर पे देगा? जी हाँ, मेरे टिकटॉक पे मैं वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें मेरा नंबर है उस पर। आपके टिकटॉक की आईडी का नेम क्या है? गुलमशाल ऑफिशियल नाम से, मैं गुलमशाल कलेक्शन से उसका नाम रखवाने लगी हूँ। इंस्टा का भी है, फेसबुक का भी है और पेज तो नहीं बनाया फिर अभी साथ साथ सब कुछ हो गए। अच्छा इंशाल्लाह। और आप लोग विजिट भी कर सकते हैं लाहौर एम एम आलम रोड पे, काशिश के साथ है मैकडॉनल्ड्स अली जो टावर है उसमें है, गुलमशाल बुटीक नाम से है मेरा बुटीक, आप लोग उधर भी विजिट कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप लोग दूर से पूरी पाकिस्तान से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, इंशाल्लाह दो दिन में आप लोग उसके पास होगी। मैं खुद भी यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा इजी जगह है, बड़ा इजी माहौल है, आप लोग भी भाई से जो है यहाँ पर आके जो है अपना शॉपिंग कर सकते हैं। तो आइए गुलमशाल आपकी बुटीक को जाते हैं और वहाँ पर कपड़े और जो ज्वेलरी सबके साथ मेरे साथ ही।
सोशल एक्टिविस्ट हैं नायाब जी, जो कि किस तारीफ की मोहताज नहीं। आज हमारे साथ ये यहाँ पर गुलमशाल बुटीक पे आई हुई हैं, और हमारे साथ फरदाना जी जो कि केपी से सदारत रिप्रेजेंट करती हैं, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, वो हमारे साथ केपी से आई हुई हैं और वो भी गुलमशाल की स्पेशल आई है। और मैं तो आपको पता है मेरा तो चैनल है, आप सब जानते हैं जी। फरदाना जी क्या कहना चाहेंगी गुलमशाल के बारे में, क्या इन्होंने बुटीक खोला, कैसा लगा आपको? मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है, पूरी ट्रांस को फ़ख्र करना चाहिए गुलमशाल पे, और क्योंकि जो है जो हमारी कम्युनिटी है उसमें अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये सिर्फ नाच गाना कर सकते हैं और इनको कोई काम आता नहीं है जी। तो गुलमशाल जो है वो सबके लिए एक मिसाल है, बिल्कुल। और जो है सबको चाहिए कि अपने फंक्शंस जो है वो अपने जगह पे, लेकिन उसके साथ इसी तरह कोई जो है बिजनेस करना चाहिए, अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। यानी हमारी जो कम्युनिटी है केपी में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए ये मैसेज है कि मैं तो यही मैंने कहा पहले कि गुलमशाल उनके लिए मिसाल है और वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, बिल्कुल करना चाहे तो खुल जाती है। हाँ, रास्ते। और हमारी केपी के जो ख्वाजा सरा हैं, अगर वो और जगह से ऑर्डर करते हैं तो आप गुलमशाल की जो हमारी अपनी बुटीक है, हमारी कम्युनिटी की जो एक सरबराह है, उन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से खोली है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी है कि एक मैंने गुलमशाल को देखा और एक मैंने पारो को देखा कि उसने जो है कॉस्मेटिक्स का वो खोला ना, तो इसी तरह ख्वाजा सराओं को करना चाहिए, बिल्कुल, कि वो भी आगे आए। और मेरे कपड़े सब के लिए, सब ट्रांस के लिए है माशाल्लाह, और बहुत मुनासिब रेट पे मैंने उन लोगों के लिए रखे हुए जी। और ये हमारे साथ नायाब अली है जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं, ये क्या कहना चाहेंगे ये भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नायाब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा यहाँ पे आके, आपको क्या कहना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि गुलमशाल ने, जो कि ख्वाजसरा कम्युनिटी में भी एक माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, और उस नाम को बरकरार रखते हुए वो अब एक नई फील्ड में आई हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे ये मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो सबको फाइनेंशियली एम्पावर होना चाहिए। जब आप दूसरों के ऊपर रिलाई करते हैं तो वॉयलेंस भी होता है, तशद्दुद भी होता है, अब्यूज़ भी होता है, और जब आप खुद सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो जो है वो गुलमशाल आपके सामने मिसाल है, और बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, और आप ज़रूर आएँ, ख़रीदें, ऑनलाइन ऑर्डर करें। और गुलमशाल ने जी ये सोच के जो है बुटीक खोला, उन्होंने हमारे जब यहाँ पर हम आ गए तीनों एक्टिविस्ट, तो उनकी पहली बात ये थी कि हमने उनसे पूछा, तो ये बेटी भी है, कि लोगों की वजह से, उनके रवैयों की वजह से मुझ पर अटैक्स हुए, मुझे किडनेप किया गया, मुझे धमकियाँ थ्रेट मिलने लगी, तो उसकी वजह से जो है मैंने अपने एक साइड कारोबार स्टार्ट किया ताकि मैं इन चीज़ से हट जाऊँ। तो हमारे जो डिपार्टमेंट हैं जिनको ग्रांट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं, उनको चाहिए कि हमारी बहन को सपोर्ट करें, और जो ये अपनी बजाते खुद ऐसे हर ख्वाजसरा को जो अपना ऐसा कदम उठाए जी, जो अपना हुनर लेके अपने हाथों से वो अपना कारोबार बाइज़्ज़त शुरू करता है, तो हमारे उन डिपार्टमेंट को, सिर्फ एनजीओस को नहीं, जो गवर्नमेंट इदारे हैं जो ऐलानात करते हैं कि इतने करोड़ रुपए मंजूर हुए, इतने करोड़ रुपए मंजूर हुए, तो वो कहाँ जाते हैं? इसी टाइम वो अगर वो लगा ले तो उनकी भी जो है अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर देगा, और हमारा भी जो है रास्ता खुल के जो है हम भी आसान तरीके से बाइज़्ज़त जो है रोजी का पानी कमाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और हमारे साथ रहिएगा गुलमशाल। थैंक्स अदा करती हूँ आप सबके के हमारी कम्युनिटी के इतने बड़े नाम माशाल्लाह के बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है, और वो लोग खुद चल के आए मुझे बार करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा हौसला बहुत बुलंद हो गया कि मैं और बढ़ के काम करूँ और सब ट्रांस देखें और वो लोग भी इस तरह के आ जाए। मैं बहुत थैंक्स अदा करती हूँ आप सबके, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई मौजू एक नई वीडियो के साथ आएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिएगा, ढेर सारे दबाव के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में।